चलिए वेलकम टू आर चैनल। मैं हूँ शालिब, सब लोग का स्वागत करती हूँ शालिब मिश्रा के फैशन डोज पे। ओ माय गॉड, ये वीडियो कितने टाइम बाद आ रहा है, सच में मुझे याद नहीं है। आजियो हॉल और आजियो से आज इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें और इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप लोगों को आज की वीडियो में मज़ा आ जाएगा। यू विल बी टोटली कन्फ्यूज क्या पिक करना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए। आजियो पर चल रही है बहुत कमाल की सेल, जिस पर बहुत ही क्रेजी डील्स के साथ ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। गो चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी ये लिंक दे दिए हैं और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी उस चीज़ से जो कि मैंने आज तक अपने हॉल वीडियोस में इंक्लूड नहीं की, बट मैं आगे से और भी करने वाली हूँ। कैप्स और हैट्स, व्हाटएवर यू कॉल्ड, आई लव दिस यार। ये तो आपने आई थिंक मेरे को थंबनेल पे भी पहने हुए दिखा होगा। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्राइट पिंक कलर का कैप, आई लव इट यार। ये गैप ब्रांड से है। मैं बहुत दिन से ना कुछ ब्राइट कलर के कैप ढूंढ रही थी एंड जैसे ही मुझे मिला और ये बहुत सही डील पर मिला तो मैंने ले लिया। इट्स लवली, बहुत सुंदर है और कॉटन मटेरियल पर है। सबसे बढ़िया चीज़ के ना आपको पहनकर गर्मी नहीं लगती, पहनने के बाद नहीं लगता, उतार दो भाई गर्मियों में ना ये पहन लो ऐसा मन करता है। इट्स अ ब्यूटिफुल कैप, ट्राई करना। नेक्स्ट इट्स अ हैट, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, प्लीज़ आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि स्टाइल को क्या कहते हैं। आई लव इट, ये ना डेनिम स्टाइल में था, हालांकि फैब्रिक थोड़ा सा डिफरेंट है, डेनिम नहीं है, अंदर से कुछ इस तरीके से दिखती है। द ब्रांड नेम इज़ कॉल्ड हॉट सॉस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो मुझे बताना। आई थिंक बैरेट कैप ऐसे ही कुछ बोलते हैं इसको। साइड पर यहाँ बटन की डिटेल भी है। डेनिम के साथ अगर आपने कोई भी टी शर्ट या शर्ट पहनी है उसके साथ बहुत अच्छा जाएगा, ट्राई करना। कुछ डिफरेंट लिया करो, स्टाइल किया करो तो पूरी लुक भी डिफरेंट आ जाती है, अपने आप को फ्रेश फील होता है। चलो जी, नेक्स्ट अ वेरी असेंशियल थिंग जो कि मैंने आज उसे खरीदी और मैंने इसको काफ़ी पहना है, सो मैंने सोचा कि आज तो इस वीडियो में इंक्लूड मैं करूँगी। इट्स अ ब्यूटिफुल स्पेगेटी टॉप। सबसे अच्छी चीज़ का कलर देख लो, मुझे ऐसा लगता है कि ये ना हमारी स्किन टोन से बहुत ज़्यादा मैच करता है और आप किसी भी टॉप टी शर्ट शर्ट के अंदर इसको पहन सकते हो, एकदम ना सीमलेस है। इसका आगे वाला जो ये पार्ट है ना, ये काफ़ी सीमलेस है, इसमें कोई ना मोटा स्टिच वगैरह नहीं है। उसका फैब्रिक ओफ, इसको पहनने का मन नहीं करता, उसको उतारो एंड स्ट्रेचबल। ये देखो, और ये है आई थिंक जॉकी ब्रांड से इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ये जॉकी ब्रांड से है, सॉफ्ट वंडर स्पेगेटी का नाम है उसका ना। यहाँ पे आप एडजस्ट भी कर सकते हो, मस्ट 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 हैव इन योर वार्डरोब। नेक्स्ट, अ वेरी क्यूट शर्ट जो कि एम्ब्रॉयडर्ड है और बहुत अच्छी प्राइस पर अवेलेबल है। स्टाइली इज द ब्रांड नेम, लुक एट दिस ऑफ वाइट शर्ट जो कि बहुत खूबसूरत फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी के साथ है। पूरा आप एम्ब्रॉयडरी देख रहे हो, शर्ट इस तरीके से कफ बना हुआ है यहाँ पे और ये पूरा जो छोटे छोटे आप फ्लावर्स देख रहे हो सारा एम्ब्रॉयडरी है। बैक से कुछ इस तरीके से दिखती है, आई लव इट यार, ये बहुत सुंदर है। जस्ट ट्राई इट आउट। और इसका ना जो फैब्रिक है वो काइंड ऑफ लिनन फैब्रिक है, लिनन या फिर रेयन का जो बीच का ब्लेंड होता है ना, मतलब फैब्रिक बहुत फ्लोई है और ब्रीदेबल है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसको आप क्यूलॉट्स के साथ, डेनिम के साथ तो ये ऑब्वियसली अच्छा लगेगा, या फिर किसी और डिफरेंट पैंट के साथ, प्रिंटेड पैंट्स के साथ पहन सकते हो, तब भी ये बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट लुक पर जाने से पहले मैं दिखा दूँ जो मैंने पहना हुआ। इट्स अ ब्यूटिफुल कम्फर्टेबल शर्ट, आई लव इट। ये जो बड़े बड़े सर्कल्स बने हुए हैं ना ब्लैक एंड वाइट में, ये अपने आप में इसको स्टेटमेंट बना देते हैं। तो ब्यूटिफुल शर्ट और इसका रिवर्स कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है, यानी कि बेस पूरा वाइट है, उस पर ब्लैक सर्कल्स बने हैं, बट मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, यू नो माई लव फॉर ब्लैक। इसके साथ जो मैंने पैंट पहना हुआ है वो भी बहुत सुंदर ट्यूलिप पैंट है, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये ईयरिंग्स। मैंने कहा ना कि आज उसे मैं बहुत सारी और बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ। ये है प्रियसी ब्रांड से। सबसे पहले आप इस ये ईयरिंग को देखो, ऊपर पूरा ये रोडियम पॉलिश में कुंदन एंड स्टोन का वर्क है एंड नीचे जो ये ग्रे कलर की पर्ल है ना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ अवेलेबल है। आई थिंक 325 में मुझे मिल गए, इट्स अ स्टील डील। सो इस तरीके के ईयरिंग्स ना, और स्पेशली इन ग्रे कलर, बहुत मेरे पास तो ग्रे कलर में ऐसा कोई भी पीस नहीं था तो मैंने तो फटाक से ले लिया, और ये इसके साथ भी बहुत अच्छा जा रहा है। इसके साथ जो मैंने पैंट पहना होता वो मैं आपको दिखा दूँ। इट्स अ ब्यूटिफुल धोती पैंट,
नाइन रसास ब्रांड का नाम है ये, मैं बहुत बार अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ एंड आई वॉन्ट कि ये सबके पास हो। इसका जो धोती स्टाइल है ना, एकदम ये टॉप से शुरू होता है, जो उसका ये ओवरलैप फैब्रिक है, इसकी वजह से फ्रंट से, साइड से, बैक से, हर तरफ से इस धोती की लुक बहुत सुंदर आती है। शर्ट्स के साथ, क्रॉप टॉप्स के साथ, इस तरीके के टॉप्स के साथ तो ये सुंदर लगती ही है। प्लस नॉर्मल जो हमारी कुर्तीज़ होती हैं उसके नीचे से आप लेगिंग्स पहनना बंद कर दो प्लीज़, टेबल पैंट पहनना बंद कर दो, समर्स में धोती ट्राई करो, या फिर हरम पैंट्स, जो सलवार पैंट्स आजकल चल रही हैं जो कि ट्रेंड में है और कंफर्टेबल है, वो ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट है ये ब्यूटीफुल ब्राइट पिंक कलर का शर्ट, प्योर लिनन का शर्ट जो कि है गैप ब्रांड से। मैं इसकी शर्ट ना इतने दिन से विशलिस्ट करके बैठी हुई हूँ, ये 4000 के ऊपर मिलती है एवरी सिंगल टाइम, बट इस बार मुझे आई थिंक ये 2600 के आसपास मिली और मैंने ले ली क्योंकि मैं बहुत दिन से इसका वेट करती थी। आई नो स्टिल इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव, बट जिस ब्रांड की भी, अच्छे ब्रांड की प्योर लिनन शर्ट मैंने देखी है किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी ब्रांड की, जो अच्छे ब्रांड है, सबकी लगभग यही रेंज थी और मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी, तो मैंने तो ले ली है। इवन मैंने इसमें बहुत अमेजिंग रील बनाई हुई है इंस्टाग्राम पे, प्लीज़ जाके चेक करना, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ vaishalimitra.official और मैंने वहाँ पर प्रॉपर लुक क्रिएट की थी, जाके देखना, बहुत सुंदर है वो। इसके साथ जो अंदर मैंने स्लिप पहनी है ग्रीन कलर की, वो H&M ब्रांड से, वो आई थिंक अवेलेबल नहीं है आजियो पर, और इस तरीके की ग्रीन रिप्ड जितनी भी मेरे को स्पेगेटी का ऑप्शन मिलेगा मैं दे दूँगी। डेनिम जो मैंने पहने हुए, इट्स अ ब्यूटीफुल क्या बोलते हैं, कार्गो पैंट्स बोलते हैं ना, जिसमें सिक्स पॉकेट्स वगैरह होती हैं, मैं उसकी लिंक दे दूँगी। ये मैंने आजियो से नहीं ली, बट ऐसी बहुत सारी पैंट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, ओ माई गॉड, अ फेवरेट आइटम, ये देखो सेमी इलास्टिक बैंड है, यही वाला पैंट है, हैरम पैंट और धोती पैंट जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इसमें आपको राइट हैंड साइड में पॉकेट मिल जाती है ब्यूटीफुल अजरक प्रिंट के साथ, एंड नीचे की तरफ भी ये गैदर्स हैं, इस तरीके से बना होता है, और इसका लुक इतना सही आता है, मैं क्या बताऊँ आपको। 100% कॉटन मटेरियल पर, अगर आपको घर पर पहनने के लिए चाहिए ना कुछ कम्फर्टेबल, जस्ट गो विद दिस, आई लव इट। और इससे इतनी स्टाइलिश लुक आती है, किसी कुर्तीज़ के साथ पहन लो, टी शर्ट के साथ पहन लो, इस तरीके के टॉप के साथ जो मैंने पहना हुआ है वो भी आप ट्राई कर सकते हो। ये वाला जो टॉप मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये है स्वर्ण ब्रांड से, बहुत सारे लोग कह रहे थे इस ब्रांड को और एक्सप्लोर करो, सो मैंने ना ये वाला टॉप लिया। आई डोंट नो अबाउट द फैब्रिक, प्लीज़ लिंक पर जाके एक बार फैब्रिक की डिटेल देख लेना। कॉटन नहीं है, थोड़ा सा मिक्सड वाला फैब्रिक है, मसलिन काइंड ऑफ फैब्रिक है ये। इस तरीके से ना बहुत ही कलर जो कॉम्बिनेशन है ना वही मुझे बहुत अच्छे लगे स्ट्राइप्स में। फ्रंट पर आपको पॉकेट मिलती है, 3/4 स्लीव है, स्लीव भी काफ़ी अच्छी स्टाइलिश, इस तरीके से ना काफ़ी ब्रॉड वाली है। बैक से ना इसमें ना ओवरलैप फैब्रिक दे रखा है, देखो आप यहाँ पे ना ओवरलैप फैब्रिक दे रखा है, प्लस पीछे ना इस तरीके से ये हाफ स्लिट टाइप आती है अंदर की तरफ, जैसे कुर्ती होती है ना शॉर्ट कुर्ती, वैसे पीछे पूरा फैब्रिक है और इसको यहाँ से ओवरलैप किया हुआ है, तो बड़ा ईजी ब्रीजी, एकदम खुला खुला हवा हवाई टाइप का लुक आ रहा था इसमें। तो अगर आप इस तरीके कोई बोहो लुक पहनना चाहते हो समझ में, तो इसको ट्राई कर सकते हो। काफ़ी फ्लोई है, मतलब गर्मी नहीं लग रही थी, इतना ही खुला है तो गर्मी कहाँ ही लगेगी। मैंने इसमें साइज़ लार्ज पहना हुआ है, बट मुझे लग रहा है कि इसमें मुझे मीडियम बहुत आराम से आ रहा था और पर मुझे अच्छा लगा था। नेक्स्ट, ये भी बहुत सुंदर ड्रेस है, इसका भी फैब्रिक मसलिन काइंड ऑफ फैब्रिक है, बट इसका फैब्रिक इतना फ्लोई है, इट्स अ शर्ट ड्रेस और ये भी स्वर्णा ब्रांड से है। मैंने जो साइज़ पहना हुआ है लार्ज पहना हुआ है, इसमें भी मैं मीडियम में जा सकती थी क्योंकि यहाँ पे ना बस्ट लाइन पे कोई स्टिच नहीं है, तो इसमें आप एक साइज़ डाउन जा सकते हो। वेस्ट पर आपको एक डोरी मिल जाती है, इसको खींच कर आप वेस्ट लाइन एडजस्ट कर सकते हो, और अजरक प्रिंट में बहुत ही सुंदर, आई जस्ट लव इट। आप ऑफिस में पहनोगे तो एवरीबडी विल बी आस्किंग कि ये आपने कहाँ से ख़रीदा है, ट्रस्ट मी। टॉप टू बॉटम तक जो बटन्स हैं वो फंक्शनेबल हैं, फीडिंग मदर्स भी ले सकती हैं, दोनों साइड आपको पॉकेट मिल रही है, और क्या चाहिए यार, इतना फ्लोई फैब्रिक है, पहना हुआ इतना स्मार्ट लग रहा था, कुछ एक्सेसरी की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इस ड्रेस को पहनकर निकल जाओ, अपने आप में ये बहुत सुंदर ड्रेस है, बिलीव मी। और जो नेक्स्ट ड्रेस है, अगेन अ वेरी हवा हवाई वाला ड्रेस, ये है फ्रॉम द ब्रांड इन व्यू, और इस पे जो ब्लॉक प्रिंट हो रखा है वो ही बड़ा कमाल का, कॉटन मटेरियल पर यहाँ पे ना एलिफेंट बने हुए हैं, और ये भी बिल्कुल आपके ना बस के ऊपर से इसका यहाँ तक फ्लैट,
यहाँ पे एक स्टिच आती है उसके बाद से पूरा घेरा, ये देखो, एंड घेरा, ओ माई गॉड, इतना ज़्यादा घेरा है इसमें पूरा, ये कलियों में बना हुआ है और ये बहुत सुंदर है। ब्लू के ऊपर इस तरीके से ना लाइट बेज और ग्रे कलर के एलिफेंट्स बने हैं। इसमें कलर ऑप्शन होंगे तो आप देख लेना। इसमें जो मैंने साइज़ पहन रखा है ना, मैंने मीडियम, क्योंकि मैंने देख लिया था मॉडल पे ये किस स्टाइल का है, तो ये बहुत लूज आएगा। अगर मैंने लार्ज ले लिया तो इसमें मैंने मीडियम प्लेस किया था, काफ़ी सुंदर लग रहा है, क्यूट लग रहा है। पहनो, आप सब देख लीजिए, प्राइस देख लीजिए, और लिंक्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, ये है इंडिपिक्स ब्रांड से। इंडिपिक्स इज वन ऑफ दोज ब्रांड की, जब भी मैं आजियो खोलती हूँ ना, मैं सबसे पहले ये वाला ब्रांड सर्च करती हूँ कि इसका क्या नया आया है। और इसका नया आया था ये मार्बल प्रिंट में, इट्स ब्यूटीफुल अर्दी टोन वाला जो ग्रे कलर होता है ना, आलिया कट स्टाइल है और ये मार्बल प्रिंट हो रखा है इस पर ब्लॉक प्रिंट, और लव इट। ये पहनी भी बहुत अच्छी लग रही थी। इसमें आपको यस पॉकेट भी मिल जाती है 100% प्योर ऑर्गेनिक कॉटन के ऊपर, और लेट मी चेक इसके अंदर, ओके, इसके अंदर आपको लाइनिंग नहीं मिल रही है, बट वैसे ही फैब्रिक सी थ्रू नहीं है। इनकेस अगर आपको फील होता है तो आप शॉर्ट्स और साइकिल शॉर्ट्स पहन सकते हो। इसका जो चोली वाला पार्ट है फ्रंट एंड बैक, उसमें मलमल कॉटन की लाइनिंग अंदर दी हुई है फ्रंट और बैक पे, बाकी नीचे का जो स्कर्ट पोर्शन है उस पर लाइनिंग नहीं है। मेरी हाइट 5'2" है, जिसके अकॉर्डिंग आप लेंथ का जो भी मेजरमेंट्स है वो आप चेक कर लेना। नेक्स्ट, अ शो स्टॉपर पीस दिस, मैं कहूँगी अभी के अभी वीडियो पॉज करो और इसके लिए ऑर्डर प्लेस कर लो। ट्रस्ट मी, मैं कभी भी आपको इतना इन्फोर्स नहीं करती हूँ, बट ये वाला नेक्स्ट लेवल ब्यूटीफुल है। इंडिपिक्स अगेन हैंडवर्क रियल मिरर के साथ, ये देखो नेक लाइन में ही इतनी खूबसूरती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ ये पूरा रियल मिरर का वर्क हो रखा है, प्लस यहाँ पे हल्का सा ना मेश का डिज़ाइन है जिस पर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है स्कैलप डिटेल के साथ। यही वाली डिटेल आपको स्लीव पर मिलेगी, और जो कॉटन मटेरियल है उसमें ना गोल्डन स्ट्राइप्स आपको दिख रहे हैं, दैट इज़ फैब्रिक का नाम मैं भूल गई, फैब्रिक का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट ये जो गोल्डन है ना, ये पूरा इसमें वीविंग के साथ है, बट ये बिल्कुल चुभता नहीं है। इसमें आपको फ्रंट वाला जो पोर्शन है उसमें मलमल कॉटन की लाइनिंग मिल रही है, बैक पोर्शन पे लाइनिंग नहीं है। सो एज इन पहना हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा था, आप यहाँ पर भी देख सकते हो बेबी पिंक कलर में। उफ, कलर ऑप्शन, डिज़ाइन, सब कुछ जस्ट टॉप नॉच, गो ग्रैब इट। मैंने साइज लार्ज पहना हुआ है। नेक्स्ट, अ मस्ट हैव फॉर समर्स, मलमल कॉटन का स्कार्फ। अब देखो मैंने भी बहुत सारे स्कार्फ्स लिए हुए हैं, आप लोगों ने भी लिए होंगे, बट इतना कलरफुल पीस आई थिंक आपने नहीं देखा होगा। जैसे ही मैंने इसको देखा था ना, मेरे पास ये लगभग फरवरी के बाद से है, यस, मैंने तब ही ले लिया था, मुझे पता था गर्मी आएंगी मुझे इसका यूज़ आएगा, और तब से मेरे पास है। मैं रेगुलर बेसिस पे, मैं जिम जाती हूँ तब भी इसको लेकर जाती हूँ, रैप करने के लिए बहुत काम आता है। इतना सॉफ्ट मलमल कॉटन का ये फैब्रिक है, जस्ट लव इट। इसको पहनना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अगर आप कोई भी टॉप पहना है या ऐसा अगर आपको लेना है, नेक अराउंड लेना है, तो ये ऐसे डाला हुआ भी बहुत क्यूट लगता है। कलर कॉम्बिनेशन देखो, अ रेनबो स्कार्फ, अ मस्ट हैव। इसका ब्रांड नेम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स क्लोथ हाउस, ट्राई करना, ये बहुत सुंदर है। चलिए, यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को आजियो का वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी देखना चाहते हैं अगर आजियो के हॉल, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, फिर मैं आगे की कलेक्शन इकट्ठा करना शुरू कर दूँगी। यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।